हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज छोटी सी बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी टॉप बेस्ट कॉलेज इन कोविड पेंडेमिक सिचुएशन। फ्रेंड्स, आज छोटी हम जानने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी के कौन कौन से ऐसे कॉलेज जो कोविड के पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर में अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है, और जो कंपनी अच्छी खासी ए ग्रेड कॉलेज, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज जहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने 2019 में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था मर्चेंट नेवी के कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे एडमिशन ले सकते, कौन कौन सा बेस्ट कॉलेज है, तो भाई उस टाइम के हिसाब से वो कॉलेज सब सही था। मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से आज के दौर में अभी 2021 से 2021 के स्टूडेंट लोगों के लिए जो अभी 2021 में जो बोर्ड के एग्जामिनेशन देंगे उसके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होने वाला है, और कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोर्स हम लोग कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी खासी कॉलेज के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, होता है कि यहाँ पे मर्चेंट नेवी फिट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जिसके बारे में स्टूडेंट लोगों को पता नहीं होता है, और नहीं पता होने की वजह से क्या होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कहाँ वो फॉर्म फिल करे, कहाँ वो एडमिशन ले। तो फ्रेंड, मैं आप लोग बता रहा हूँ सारा अपडेट इन्फॉर्मेशन की किस तरीके से हम लोग अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और 2021 का अपडेट कौन कौन सा कॉलेज होने वाला है जहाँ प्लेसमेंट आप लोगों को मिल जाती है इन कोविड पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर में, आप लोगों को प्लेसमेंट मिल जाती है। आप लोगों को पता होगा कि मर्चेंट नेवी फील्ड के अंदर जॉब की बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी होती है, जॉब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी की देखी जाती है किसी भी कॉलेज के अंदर में, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कॉलेज कौन कौन सी ऐसी कॉलेज जहाँ 100% जॉब मिलती है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सिविल वाइज करके आएगी, और सिविल वाइज की मतलब ए ग्रेड का पहले, फिर उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो उससे लोग कॉलेज सब बताऊंगा, ठीक है। तो फिर सबसे पहले नंबर पर आता है एंग्लो एशियन मैरिटाइम एकेडमी। उसका पता होगा कि एंग्लो एशियन बहुत ही अच्छा कॉलेज है, कॉलेज भी है, इसकी खुद की कंपनी भी है। तो एंग्लो एशियन, उसके बाद हो गया तुलानी। तो फ्रेंड, एंग्लो के जब तुलानी में ट्राई करते हैं, तुलानी का ग्रेट ईस्टर्न ग्रेजुएशन, उनको पता हो इसके पास भी खुद की कंपनीज है, ठीक है, 500 से प्लस इसके पास सिप्स है ग्रेट ईस्टर्न के पास, और इसकी कॉलेजेस भी है। तो एंग्लो हो गया, तुलानी में ग्रेट ईस्टर्न हो गया। उसके बाद फ्रेंड IMI, फ्रेंड्स IMI बहुत ही अच्छी खासी कॉलेज है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी सब आती है, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराती है, और इसके अंदर बहुत ही अच्छी खासी प्लेसमेंट है। उसके बाद फ्रेंड हो गया ARI बहुत ही अच्छी खासी कॉलेज है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की आप ऑब्वियसली चूज कर सकते हैं ARI को, बहुत ही अच्छी खासी ARI भी कॉलेज है। तो फ्रेंड, एंग्लो हो गया, तुलानी हो गया, ग्रेडिशन हो गया, और फिर IMI हो गया, ARI हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड TS चाणक्य हो गया, TS रहमान हो गया, TS चाणक्य, TS रहमान के MET रख सकते हो, ठीक है। MET में भी बहुत ही अच्छी खासी, MET में बहुत सारा कोर्सेज होता है, और यहाँ प्लेसमेंट भी मिल जाती है, और उसकी MET देखो, MET में भी प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड समुद्र, उसके बाद समुद्र में जानता था वेटिंग ग्रेड जा चुके हैं, बट ये ए ग्रेड का कॉलेज है, अच्छी कॉलेज है, मीन्स की रिप्यूटेशनल कॉलेज है ये, और सब कॉलेज के मुकाबले में फ्रॉड नहीं करती, चीट नहीं करती, अच्छी खासी कॉलेज है, थोड़ी बहुत वेटिंग ग्रेड जा चुकी है, वो अलग बात है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि सारे की सारे कॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात होती है कि हर कॉलेज की अलग अलग पॉलिसी होती है, उसकी टर्म्स कंडीशन होती है। जैसे लाइक मान लो कि अगर आप MET में आते हो, तो MET बोलती है भैया कि मेरे को 80-90% मेरे को अटेंडेंस चाहिए किसी भी ईयर में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको बैक नहीं लगाना चाहिए, और उसकी इस हिसाब से किसी तरह को मारपीट नहीं होनी चाहिए आप लोग, एकदम उसकी जो पॉलिसी होती है बहुत ही टाइट होती है। तो इस हिसाब से हर कॉलेज की अलग अलग पॉलिसी, जैसे लाइक मान लो तुलानी है, तुलानी बोलती है कि पर डे आप लोग को सेव करके आना होता है क्लासेस में, तो हर कॉलेज की कुछ ना कुछ आपको पॉलिसी होती है। अगर आप लोग को ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को नहीं पता है कि भाई हर कॉलेज की उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी जो एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाली है, उसकी जो इंटरव्यू सेशन होने वाली है, उसका जो मॉक टेस्ट होगा, तो सारा सारा फुल इन्फॉर्मेशन एक कॉलेज के बारे में कि पूरा प्रोसीजर हम लोग किस तरीके से उस कॉलेज को ज्वाइन करें। तो मैंने पर्टिकुलर कॉलेज में, मैंने हर कॉलेज में मैं पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं दे रखा हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी कॉलेज से भी कोई डाउट हो कि भाई इस कॉलेज में कोई एडमिशन लेना है, फिर इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसीजर कैसे होने वाले, फिर इस कॉलेज के एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगी, इस कॉलेज की फी कितनी होगी, इस कॉलेज में एडमिशन लेना, मेरे 12th मार्क्स कितने चाहिए, मेरे IVCT को रैंक कितना चाहिए, तो मैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर कॉलेज पे पर्टिकुलर वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोगों को किसी भी कॉलेज से मर्चेंट में किसी भी कॉलेज से कोई डाउट हो, तो उस वीडियो पे जाकर देख सकते हो, मैंने पूरा का पूरा अपडेट इन्फॉर्मेशन डाल रखा है हर एक कॉलेज के बारे में। तो आप लोग को जिस भी कॉलेज से डाउट हो, उस कॉलेज के वीडियो को क्लिक करो यहाँ पे, उस कॉलेज के वीडियो जाकर देखो, आप लोग को डेफिनेटली सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा उस कॉलेज से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है उस कॉलेज से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आप लोग का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड जैसा कि अगर आप लोग को DNS कोर्स करना है, DNS कोर्स करने की ऑब्वियसली मैंने आप लोग को बता रखा है, जो भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज उसके लिए आप एंग्लो ट्राई करो, तुलानी ट्राई करो, ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, IMI हो गया, ARI हो गया, TS चाणक्य, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ पर आराम से डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को बीटेक करना, तो बीटेक के लिए आप डेफिनेटली तुलानी जाओ, तुलानी के बाद आप लोग MET जाओ, समुद्रा हो गया, ये सब कॉलेज जा सकते हो। जो भी बहुत सारे स्टूडेंट GP रेटिंग से पूछते हैं, भाई मेरे को GP रेटिंग करना है, GP रेटिंग के लिए ग्रेजुएशन जा सकते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया, NUSI हो गया, एक IMS गोवा में भी, वहाँ भी आप लोग जा सकते हो,
ये सब जीबी रेटिंग कोर्सेज के लिए बहुत ही अच्छी खासी रेप्यूटेड कॉलेज है, ठीक है। और सैलून रेटिंग हुए, जो भी सेफ्टी कोर्स है, जो भी छोटे मोटे कोर्सेज सब के लिए मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं प्ले लिस्ट यहाँ पे मैं डाल दूँ, आपको अपने हिसाब से जिस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट पिन कर दूंगा, उस प्ले लिस्ट पे जाना और आप लोग को जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है उस टॉपिक पे क्लिक करना, उस टॉपिक का वीडियो देख लेना, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोग का सारा सारा डाउट उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग का डेफिनेटली सारा सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब कॉलेज अच्छी खासी कॉलेज है। और सभी कॉलेज जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था, जो 2018-19 में मैं अपलोड किया था कि 2018-19 में उस टाइम पे वो लोग कॉलेज सब लोग सही चल रहे थे, बट उसका अधिक प्लेसमेंट है, जैसे लाइक आपको मैनेट हो गया, ठीक है, बीबी मनी हो गया, वेल्थ हो गया, HIMT हो गया, विश्वकर्मा हो गया, और भी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जहां आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है, जैसे लाइक IMA हो गया, ठीक है, IMA इंटरनेशनल मैरिटाइम अकेडमी चेन्नई में जो है, तो बहुत सारा ऐसे मार्केट में कॉलेज है जो आपको रेपुटेशन उसकी पहले थी बट आज के दौर में उसकी प्लेसमेंट नहीं है, और कोविड के बाद तो प्लेसमेंट उसकी भूल ही जाओ। तो मैं डेफिनेटली हर स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप लोग को अच्छा से अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाना है तो वो सब कॉलेज को आप निगलेक्ट कर दो, सब कॉलेज की तरफ ध्यान ही मत दो, ठीक है। आप लोग अच्छे कॉलेज पर फोकस करो, अच्छे से कॉलेज में अप्लाई करो, एग्जाम दो, इंटरव्यू। सब कॉलेज में क्या है, जो भी एक ग्रेड की पॉलिसी क्या होती है, उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, उसकी पॉलिसी होती है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उठे आप एडमिशन ले लेते हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा लो ग्रेड कॉलेज होता है, जो भी चीप कॉलेज होता है ना, जो भी जहाँ प्लेसमेंट नहीं होती है वहां देखोगे आप लोग की भाई आप उठे सीधा 12th के मार्कशीट रिजल्ट दिए आपका एडमिशन ले लिए। ये कॉलेज में ऐसा नहीं, जो भी अच्छी खासी मर्चेंट रिप्यूटेशन कॉलेज जहाँ 100% जॉब की गारंटी है, वहाँ क्या है पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जाके आपको एडमिशन मिलता है, और वहाँ एडमिशन मिलने का मतलब होता है जॉब मिल गया, ये मतलब है। अब ऐसा नहीं कि मतलब एग्जाम पेपर भी क्लियर करना पड़ता है, उसकी पॉलिसी होती है कि मतलब बैक भी लगाना चाहिए, पूरा पेपर क्लियर चाहिए, ठीक है, और किसी से मारपीट नहीं होना चाहिए, आपका अटेंडेंस 70-80% का अटेंडेंस चाहिए। तो हर कॉलेज का अपना अपना पॉलिसी, मैंने भाई हर कॉलेज में पर्टिकुलर 20-20 मिनट का 25-25 मिनट का मैंने वीडियो बना रखा है वहाँ पे, ठीक है, हर कॉलेज में मैंने पूरा रिसर्च करके। तो यार उस वीडियो को जाकर देख लो, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, इस वीडियो में मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, आप लोग को जो भी डाउट है उस वीडियो को जाकर देख लो जिस भी कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मर्चेंट ने भी क्वेश्चन को भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।